हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में देखा कि मैं एटलांटा गई, वहाँ का गरबा का वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही एटलांटा नहीं गई थी, मुझे वहाँ से स्पेशल गेस्ट का इन्विटेशन मिला था। तो जब मुझे ये कॉल आया तो मैं इतनी खुश हो गई, और ये इन्विटेशन मुझे दिया था जय रावल ने। तो जब जय ने मुझे कॉल करके बताया कि दीदी आपको आना है यहाँ पर स्पेशल गेस्ट बनकर, तो मैंने तुरंत ही हाँ बोला और मैं बहुत खुश हो गई थी। तो जब ये गरबा हुआ तो उस दिन स्टेज पर बड़ी सी स्क्रीन में मेरी स्टोरी शेयर की, और फिर मुझे स्टेज पर बुलाया गया। और वहाँ क्या था, कैसा रहा, तो ये पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जोरदार तालियों में गड़गड़ाती प्लीज वेलकम भारत शाह। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भारत शाह जे आपणा बधा माटे खास एलएफटी गरबा करवा आव्या छे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच धारा जी फॉर कमिंग हियर, इट मीन्स अ लॉट। અને અમે બધા ભી તમને મળવા માટે ખૂબ જ એક્સાઇટેડ છીએ। થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ હિયર અગેન, અ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર ધારા, સચ અ મોટિવેટિંગ સ્ટોરી। मैंने ये सोचा था कि मैं एटलांटा आके आप सब के साथ गरबा करूंगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये फर्स्ट चांस मिला है स्टेज पर आने का, और मैं गरबा से स्टार्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू जय मुझे ये चांस देने के लिए। एमा थैंक यू नहीं, हूँ तो यूँ इच्छू छू कि तुम्हारी जो स्टोरी है ये वर्ल्ड ना दर खूणा में पहुंचे, साची बात के नहीं। आपने एक जीवन में एक दिवस में एक नानू मच्छर कटी जत हो तो आप उदास थी जाता हो भाई मच्छर कटी गए, एक गाड़ी में जता हो एक्सीडेंट थी गयो तो लाइफ छूटी गई, राइट। पर हूँ धारा दीदी थी अत्यारे छेल्ला 12 कलाक थी साथे छू, पर मैं अपने हंसता ने हंसता जोया छे। ए सौथी मोटी माताजी ना आशीर्वाद ज आपणे कही शकीए। नवरात्रि आपणे ऊंघीए छे के मां ने याद करीए छे, राइट, ए मां ने याद करीए छे आपणे। पण एनुं स्वरूप साक्षात हूँ तमारी सामे બસ આજ છે કે લાઈફમાં ગમે ત્યારે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો ડરીને ન બેસો, રડીને ન બેસો, રડવું આવે તો રડી જાઓ પણ ફરીથી ઊભા થાઓ, અને બસ એમ જ વિચારો કે મારામાં વિશ્વાસ છે, મારામાં બધી જ શક્તિ છે, હું કરી શકું છું। કારણ કે ભગવાન જ્યારે એક રસ્તો બંધ કરે છે તો બાકી ઘણા બધા રસ્તા ખોલે છે। ફક્ત ધારાથી અહીંયા નથી આવ્યા એટલાન્ટા, એક વાર ફરી તાલીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ એમના મધર ને, એમની સાથે આવ્યા છે દક્ષા મહેતા। પ્લીઝ તમારે તમને તમને બી ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કે તમે આવ્યા। એક વાર મધર ડોટર ડુઓ માટે બી એક વાર જોરદાર તાળી થઈ જાય। તમારે કઈ એટલાન્ટા કઈ કહેવું હોય? ચાય છે પણ વાંધો નહીં, હવે ખાસ તમારા માટે એક સ્પેશિયલ અપ્રિશિએશન છે કે તમે અહીંયા આવ્યા છો, એના માટે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ 27 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફ્યુઝન ગ્રુપના રોકીજીને કે આવે અને તમને એક અપ્રિશિએશન આપે। એન્ડ થેન્ક યુ અગેન, તમે આવીને આવી રીતે બધાને મોટિવેટ કરતા રહેજો, એન્ડ યુ આર ઓલવેઝ અવર બ્રધર જય એની ટાઈમ। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, કેન આઈ પ્લીઝ હેવ યોર વોટ પ્લીઝ? એક વાર જોરદાર તાળી થઈ જાય। થેન્ક યુ સો મચ દી, હવે પ્લીઝ બધા સાથે ગરબા એન્જોય કરજો ડેફિનેટલી, અને બધાને એક
જ વાત કહીશ કે બધાનું ફેમિલીનો સપોર્ટ પણ ઘણો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ્યારે કંઈ પણ એવું લાગે તો ફેમિલી સાથે શેર કરો, કારણ કે આ ટાઈમે ફેમિલી જ સાથે હોય છે. અને બસ તમને બધાને મારી ચેનલ, તમે લોકો વિડીયો જુઓ, અને કોઈ પણ જ્યારે હિંમત હારી જાય તો એને મારો વિડીયો શેર કરજો, અને તમને લોકોને ગમે તો જોઈન કરજો. થેન્ક યુ. तो आपने देखा कि मैं स्टेज पर आई, फिर मुझे अप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला, और इतने सारे लोगों के बीच में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज पर बोला, तो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और पूरा जो मेरा दिन था वो बहुत ही अच्छा रहा. और वहाँ से आने का टाइम हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ सारे लोगों के नेचर इतने अच्छे थे और सबसे मैं इतनी घुल मिल गई थी, सबसे मैंने बहुत बातें की, फ़ोटो भी बहुत सारे खिंचवाए, और कितने सारे लोगों से मैं मिली, और वहाँ का माहौल जो था, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा दिन रहा. और मेरे लिए फर्स्ट चांस था ऐसे मैं स्टेज पर आई, तो ओवरऑल मेरे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल रहा. तो बस मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ. आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कैसा लगा मैं स्टेज पर आके मैंने बोला वो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो बस ये था मेरा वीडियो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं. थैंक यू, बाय.